उस समय करते हैं जिसमें मीरा भाई सतगुरु रविदास महाराज के पास आते हैं, आखती है कि गुरु जी मैनू मेरी माता और मेरे आंठ पांच सखियां सहेलियां मेरे मारदिया हैं कि तू तो महलों के बीच रहनी है, तू महलों के बीच रहनी है पर तेरा गुरु कुलिया के बीच रहता है, कुली के बीच रहता है। सतगुरु रविदास महाराज अगे मुस्करा के आखते हैं दारद देव सब को हसी ऐसी दशा हमारी अस्त दशा सत कर तले सब कृपा तुम्हारी। कि हे परमात्मा जी जिस समाज के बीच मैं पैदा होया उसनों मानवी अधिकारों को वंचित रखा गया। सतगुरु रविदास महाराज जी मीरा मैनू आखते हैं और परमात्मा अगे अरदास बनती भी करते हैं कि जिस समाज के बीच मैं पैदा होया उस समाज को मानवी अधिकारों को वंचित रखा गया और साड़ी ऐसी गरीबी दर्दनाक दशा में देख के सब कोई हसदा। जिस वे मेरा आखिरी ना कि मेरिया सखियां सहेलिया मेरे चाचे ताए नालों भैन भरा हसदे आ कि तेरा गुरु गरीब है कुली दे विच रहिंदा है जात का जमान है। और सतगुरु रविदास महाराज जी मीरा नूं समझाउंदे कि दर्द देख सब को हसे ऐसी दशा होई कि ऐसी दशा मेरी गरीबी देख के मेरा दर्द का दशा देख के हर कोई हसता है पर परमात्मा जी मैं परमात्मा का नाम जप के परमात्मा का नाम जप करके उन 18 सखियां मेरे हाथ की हथेली ते आ गया हैं। ये सब कृपा सतगुरु परमात्मा की है कि जेडे लोग मैं आखते कि भाई जात का कोई जमार है तो कुली दे विच रहना पर हुण अस्त दशा सिद्ध कर तले सब कृपा करना कि 18 सखियां जो मेरे हथेली ते आ गया हैं ये उस परमात्मा की सतगुरु की कृपा है। तू जानक मैं पिछले पखंड नाम सकल की सरनाप्ति प्रभ पूर्ण काम कि हे जन्म के चक्कर कट्टण वाले परमात्मा जी तुसी घट घट नहीं जानते हो पर मैं कुछ भी नहीं जानता कि जरा की करनी किसी को लुटना मैं नहीं जानता। जे कोई राजा हो गए मैं तू आखा कि तू मेरा शरीर है मेरा जीना मैं तेरे को अनुमत लगना सतगुरु जी जान करते कि मैं ऐसी अवस्था नहीं जानता मैं कोई चीज लाके नहीं जानता मैं केवल ये जानता कि परमात्मा मैं तेरा नाम जप के तेरा भी पहुंचा तेरी मैं बराबरी कीती है। जो जी आप ही शब्द लेते हैं उन्हां सबना दिया मनोकामना पूर्ण होंगे कि जिहड़े भी लोग आप ही शब्द पाते हैं वो सारिया उन्हां दिया मनोकामना पूरिया होंगे। जो तेरी सरना तत् नाहीं पार तू जनीच तुम ते तरे आल संसार। कि हे प्रभु जी जो जीव आप दी शरण शरण ग्रहण कर लेता है उसनों कोई भी दुख अते कर्मां दा भार नहीं रहिंदा आप ही
आपकी शरण प्राप्त करके करना उच्चे नीवे अमीर गरीब सब जी ना करे जान वाले संसारों तरंज दुखिया के दुख दूर कर दुखिया के दुख को दूर कर देना कष्ट निवारो आप जी को कष्ट आती है ते तू आप परमात्मा जी निवार देना है दुखिया के दुख दूर कर कष्ट निवारो आप सदा सहाय प्रभु है सतगुरु जी कहते सदा सहाय सतगुरु रामदास जी कहते परमात्मा सदा सदा ने सहाय बन जाता है इधर करे मुश्किल जाकर जिधर भी जीव उधर सत्संग उधर जाप उधर नाम जप होता है उधर सहाय बन जाता है कौन मालक करे मुश्किल जाकर जिधर भी जाप करता है जाप जपो तुम नाम का कर सतगुरु की सेवा जे सेवा करनी है तो जिधर गुरु ने नाम शब्द दिता है उधर जाप कर जाप करने नाल अपने सच्चे सतगुरु की सेवा तो करी है ये नहीं है कि अपन आगे एक पास एक निंदा जुगले करते दूसरे पास अगे मैं सेवा करना नहीं सेवा करनी है जाप जपो तुम नाम का कर सतगुरु की सेवा करनी होनी है जो सच्चे सतगुरु परमात्मा का दिता हुआ नाम शब्द जाप करेगा वे सेवा ताही होगी नन्ना नाम की नाम मनाई कह रहे दास चढ़ोरे पाई सतगुरु जी कहते मैं नाम की नाम की किश्ती बना दी है नाम का जहाज बना दिता है जिहड़ा भी चढ़ जाएगा वो पार उतारा लंबा हो जाएगा ये जो पवसागर है साडा दुनियावी जीवन है ये दुख आदि तकलीफा आदि अनेक प्रकार के सानू दुख भोगने पड़ते हैं पर जो असं परमात्मा का नाम सेवा की सेवन कमाई करते हैं तो फिर असि तो साढ़े दुख भी कट्टे जाते हैं खुशी खुशी कट्टे जाते हैं ऐसी कृपा करो परमात्मा जी के तेरी कृपा के नाल ही सब कुछ होता है अज अकाल सुनिया ये सब कुछ तेरी कृपा के नाल पूरा है हे प्रभु जी आप की शरण में जिहड़ा भी जीव आता है शरण ग्रहण कर लेता है उसनू कोई भी दुख नहीं रहता उन्हों कर्मों का भार नहीं रहता आप जी की शरण प्राप्त करना बच्चे जिमें अमीर गरीब सब जीव ना करे जाने वाले संसार नूं तर जांदे हन कहे रविदास अकल प्रकाश उपाय करिजै जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दिजै सतगुरु रविदास महाराज जी फरमांदे हन कि आप जी की कथा अपथ है इसलिए बहुतियां कथावां दे विच ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਣ ਕਰ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਜ ਦਿਵਸ ਲਿਓ ਮੈਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਾਮ ਕਰ ਮੇਰਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ 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 ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਨ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਏ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ 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 ਆਜ ਜਦੋਂ ਸਿਰੋਂ ਬਲਿਹਾਰਾ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਇਆ ਰਾਜਾ ਨੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆਂਗਨ ਬਗੜ ਕੋਣ ਕਿਉਂ ਪਾਵਨ ਹਰ ਮਨ ਬੈਠੇ ਹਰ ਰਸ ਆਵਨ ਕਰੁਣ ਕੰਡੋਲ ਜਨ ਕਾਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਸੰਤਨ ਪਰਵਾਨ ਕਥਾ ਤੇ ਮਨ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੀ
आप फल और रूप वाले के आप का करते हैं संत जन पूर्ण भी नाम जपा के तार करते हैं और सतगुरु दास महाराज जी अपनी बाणी के फरमाते हैं कि हे परमात्मा जी आप जी कथा जी अकथ है जी नहीं जा सकती कहीं नहीं जा सकती इसलिए बहुतियां कथावां किस वास्ते करनिया हैं ये संसारी जी आप जी को केड़ी उपमा दे सकता है जो तुसी हो केवल तुसी हो आप जी दे समान कोई दूसरा है ही नहीं और अज साडे वास्ते जो सतगुरु रविदास महाराज जी जां जो सतगुरु रविदास महाराज जी ने साडे समाज ने कीता है वो कोई होर नहीं कर सकता अज मान दे नाल कह सकते हैं कि असि सतगुरु रविदास महाराज जी के बच्चे हैं उन्होंने परिवार हाँ अज साडा रविदासिया धर्म है मान दे नाल कह सकते कि अज साडा अपना धर्म है अपना ग्रंथ है अमृत वाणी सतगुरु रविदास महाराज जी ने साडा साडा धार्मिक ग्रंथ है मान नाल कह सकते हैं जिसके नाल असि हर कारज चाहे खुशी का होवे गमी का होवे ब्याह का होवे किसी बच्चे का जन्मदिन का होवे असि पाठ करवा के अपने रविदासिया धर्म के अनुसार हर कारज खुशी खुशी कर सकते हैं और सतगुरु कबीर महाराज जी फरमाते हैं सहज की अकथ कथा है निराली उस परमात्मा की जड़ी कथा है वो निराली है अकथ है वो कहीं नहीं जा सकता सतगुरु के गुणगान कर्म जिन्ना करिए ओना कट है सतगुरु जी फरमाते कि जिहड़ा जीव परमात्मा का नाम जपता है परमात्मा का रूप हो जाता है रविदास पणि जो जाने सो जान संत अनंत अंतरना सतगुरु जी फरमाते हैं कि जिहड़ा भी जीव परमात्मा का नाम जपता है संत जन परमात्मा का रूप हो जाता है सतगुरु जी कहते मैं भली भरते जानता हाँ ये बच्चे किसी के किंतु परंतु की कोई गल नहीं रह सकता इस करके गुरु ग्रंथ साहब जी जी आओ सारे रल के अपने रहबर प्रांतों एक किताब सतगुरु रविदास महाराज जी का जिन्ना गुणगान कर लीए उन्ना घट है तो अपना जीवन सफला कर लिया हर रोज गुरु घर सतगुरु रविदास महाराज नवी आबादी के नाल गुरु घर जो शाम को 6 बजे तो लैके 7 बजे तक सत्संग कीर्तन होता है जिस दे पहला सत्संग कीता जाता है उपरंत बीबिया साढ़िया भैन हर रोज शब्द गायन करते हुए सुनते हो और बीबिया शब्द गायन करती हैं और बड़ी खुशी होती है कि साढ़े छोटे छोटे बच्चे जो सतगुरु की बाणी पढ़ते हैं तो उन्होंने देख के सामने भी सिक्ख्या मिलती है कि जे वो पढ़ सकते हैं तो फिर असी क्यों नहीं पढ़ सकते जे सतगुरु की बाणी वो गा सकते हैं तो फिर असी क्यों नहीं गा सकते इस करके आओ सारे रल मिल के सतगुरु की बाणी का जाप करिए कीर्तन करिए जय गुरुदेव जो बोले सोन तर जगत